होने की वजह से मैं रातों को सो नहीं सकी। पहरेदार के तौर पर मुझे जागना पड़ा है। अगर आप लोग काम पर लौट आए तो मैं वादा करती हूँ कि सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगी। मैं दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करती हूँ। ममता ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या पर नहीं फंसी थी। उन्होंने अस्पताल के गुनहगार डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि ममता बनर्जी ने पुलिस की कारगुजारियों को ढकने की भी पूरी कोशिश की। लेकिन अब ममता को हड़ताली डॉक्टरों के बारिश में भीगने का दर्द महसूस हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी डॉक्टरों की मांग को लेकर वाकई गंभीर है, या ममता सियासत कर रही है ताकि हड़ताल खत्म हो, मामला रफा दफा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी कि सरकार जो है, बंगाल सरकार इस पूरे मामले को लेकर अब बैकफुट पे आ गई है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि जो सरकार के बीच डॉक्टर्स की भी जो वार्ता हुई थी वो असफल रही है। डॉक्टर्स लगातार मांग पे अड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि उनकी मांगे ना माने की स्थिति में उनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद बाहर आई, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आओ चाय पी लो, आओ मीटिंग करते हैं। लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के एक एक डॉक्टर ने ये बताया कि हम चाय तभी पिएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा, हम पानी तभी पिएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा, उसके बाद हम बारिश में खड़े रहे इस इंतजार में कि दोबारा हम कोशिश करते रहें किसी तरह से मीटिंग में हम बैठ जाएं। लेकिन जब आखिरी में हम वीडियोग्राफी को भी हमने छोड़कर मिनट्स जो एक मीटिंग में लिखा जाता है हर मिनट क्या हुआ है उसके लिए भी हम जब तैयार हुए, तो उसके बाद हमें कहा गया कि बहुत देर हो गई, अब मीटिंग नहीं किया जा सकता। हम वहां पर बारिश में खड़े रहे, इंतजार करते रहे, उसके बाद हमको वापस लौटना पड़ा। हम चाहते थे कि इस मीटिंग का रिजल्ट निकले और जल्द से जल्द ये आंदोलन अपने जस्टिस के लिए पहुंचे। लेकिन जब हम बस में चढ़ते हैं तो हमने देखा कि एक आदमी जिसके लिए जब हमने ये आंदोलन शुरू किया कि वो गुनहगार है, वो खूनी है, वो करप्ट है, तो सबने हमें कहा था कि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, तुम क्या उसे रोक पाओगे, वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो तुम्हें यूं ही फंसा देगा, वो तो तुम्हें मिटा देगा। लेकिन हम अपने पैरों को जमाए रखा। आज 35वें दिन संदीप घोष वो जेल के अंदर गया, ये इस बात का सबूत है कि जो डिमांड हमने शुरू से लिखा था, हमारा जो डिमांड जो जस्टिस से पूरा पूरा रिलेटेड है, वो डिमांड सच है। वो डिमांड पे मुहर लग गई कि संदीप घोष ने जो किया वो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हड़ताली डॉक्टरों की मांग आखिर क्या है। उनका कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों की जांच हो और उन्हें सजा दी जाए, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यानी कि बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दे अपने पद से, ये मांग कर रहे हैं हड़ताली डॉक्टर्स। स्वास्थ्य कर्मियों की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जाए और लिखित में दिया जाए कि सिक्योरिटी बढ़ेगी, महिला सिक्योरिटी रखे जाए और ये संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट भी लगती है। अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म होना चाहिए। जो अस्पतालों में थ्रेट दी जाती है, चाहे फिर वो आपको बता दें नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टरों का हो, जूनियर डॉक्टर्स हो, तो वो सब कल्चर खत्म होना चाहिए। वहां पर एकदम निष्पक्ष तरीके से काम करने की आजादी मिलनी चाहिए। ये सब कुछ मांग कर रहे हैं हड़ताली डॉक्टर्स। और अब खबर यूपी से है, जहां पे उत्तर प्रदेश के भदोही से विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, उनके घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद से जो कानूनी शिकंजा है वो लगातार कसा जा रहा है। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अब पुलिस ने अपनी ओर से कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, दिखाते इस रिपोर्ट में। घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक शक के घेरे में तो थे ही, और अब वो कानून के लपेटे में आ गए हैं।
उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई है। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग लड़की के सुसाइड और बाल श्रम के मामले में ये FIR श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कराई है। भदोही कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। FIR में बाल मजदूरी के साथ साथ मारपीट और मजदूरी नहीं देने के आरोप विधायक जाहिद बेग पर लगाए गए हैं। आरोप है कि मुक्त कराई गई लड़की को मजदूरी नहीं मिलती थी और उसके साथ डांट फटकार और मारपीट की जाती थी। 9 सितंबर को सपा विधायक जाहिद बेग के घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की का फंदे पर लटका हुआ शव मिला था। बताया गया कि वो लड़की पिछले 7 साल से उनके घर पर काम कर रही थी। आशंका जताई जा रही है कि लड़की ने आत्महत्या की है। इस घटना के दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को जाहिद बेग के घर पर छापा पड़ा था। श्रम प्रवर्तन विभाग और पुलिस की टीम ने नायब तहसीलदार के साथ छापा मारकर बाल मजदूरी में लगी लड़की को आजाद कराया था। इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद से ही सपा विधायक पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनके साथ साथ उनकी पत्नी पर भी FIR दर्ज की गई है। अब देखना होगा कि ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे, जिहाद का जाल, बेटियां शिकार। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला का ये मामला है जहां पर 2 अलग-अलग मामले सामने आए हैं। विशेष समुदाय के युवकों ने हिंदू लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया, बहलाया, फुसलाया और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। कैसे, क्या है खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। नाम बदला, भेष बदला और बदला बात करने का तौर तरीका। तिलक लगाया, हिंदू लड़की को फंसाया, लव जिहाद किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान कर देने वाले दो मामले सामने आए हैं जहां 2 अलग-अलग मुस्लिम लड़कों ने खुद को हिंदू बताते हुए हिंदू लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी रचाई। शहबाज ने हर्षित चौधरी और सलमान ने समीर बनकर हिंदू लड़कियों को धोखा देते हुए शादी की। इसके बाद मारपीट करते हुए धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। पहला मामला अलीगढ़ के इगलास इलाके का है जहां लव जिहाद का शिकार हुई पीड़िता थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पूरी कहानी बता दी। बताया कि कैसे आरोपी सलमान ने अपना नाम समीर बताया, जबरदस्ती शादी की और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया। सलमान नाम का लड़का था, मोमडन था वो, पर झूठ उसने ऐसा झूठ बोला था, अपना नाम समीर बताया था उसने। तो फिर मुझे जबरदस्ती वो ले गया, फिर मुझे ले जाने के बाद मैं दिल्ली ले गया सर। उसने मुझे होटल में रखा था, मैं 19 को गई थी, 25 की रात को मैं आई थी। मैं शादी करी थी मेरे से आधे समाज में, फिर बोलता था मैं तेरे साथ निकाह भी करूँगा, तुझे मोमडन बनना पड़ेगा। फिर उसने मेरी वीडियो भी बना ली और फोटो वीडियो वायरल करने की बोलता था, मुझे धमकी देता था सर, वो मुझे अब भी धमकी देता है। मुस्लिम लड़का समीर बनकर हिंदू नाम